हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टच में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, आप इसे कार्डिगन्स में या बच्चों के स्वेटर्स में डाल सकती हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्वेटर है ये इसमें ज़्यादा ऊन लगती है, तो जब भी आप ये डिज़ाइन डालें तो थोड़ी ऊन ज़्यादा लें, और जो हम फंदे डालेंगे उनको ऑड में डालना है। जैसे हम 100 फंदे डालते हैं तो आपने 101 फंदे डालने हैं, तभी ये डिज़ाइन अच्छा आएगा। तो शुरू करते हैं। आपने ये डिज़ाइन एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, जो हम बॉर्डर बॉर्डर बनाते हैं उसके ऊपर शुरू करना है। तो कैसे शुरू करेंगे इसको? पहला जो फंदा है इसको तो सीधा ही उतारते हैं, दूसरा फंदा है इसको हमने नहीं बुनना है। क्या करना है? तीसरा फंदा जो है ये गांठ वाला जो उल्टा होता है उसके बीच से नीचे से ऐसे करके सिलाई डाल के ये धागा लिया, और इस ऐसे करके हमने ये निकालना है। इसको थोड़ा लूज़ रखेंगे, फिर ये धागा जो है इसको अपनी तरफ किया, फिर पीछे से ऐसे करके इसको हमने 2 का 1 बना देना है। ये ऐसे करके इसका मैंने 1 बना दिया। उसके बाद फिर से वैसा ही करना है। ये जो उल्टा फंदा है ये आपको दिख रहा होगा, उल्टा फंदा, इसके बीच से हमने ऐसे करके सिलाई डालनी है। इसको ऐसे लेना है थोड़ा लूज़, इसको नहीं बुना है, धागा अपनी तरफ करना। जैसे हम जाली डालते हैं जैसे, तब धागा आगे करते हैं, वैसे ही मैंने ये धागा आगे किया। फिर यहाँ पीछे से इन दोनों फंदों को एक साथ घटा देना है ऐसे करके। फिर से हम वैसे ही करेंगे। यहाँ बीच से हमने ऐसे डाला, ये ऐसे निकाला लूज़ करके, फिर धागा जो है इसको अपनी तरफ किया, फिर ये दोनों को ऐसे पकड़ा, और ये ऐसे पीछे से इनको 1 कर दिया, 2 का हमने 1 बना दिया। फिर से उल्टे में के नीचे डाला, ये थोड़ा लूज़ करके निकाला, धागा अपनी तरफ किया, और इन दोनों को घटा के हमने इनका 1 कर दिया। यही फिर से बताती हूँ मैं आपको। ये उल्टे वाले से, ये देखो उल्टे वाले के बीच से मैंने लिया, ये लिया, धागा अपनी तरफ किया, और इन 2 का ये मैंने 1 बना दिया। और लास्ट के 2 जो हैं इनको हमने सीधे ही बुनना है, ये मैंने सीधे ही बुने। अब दूसरी सिलाई में क्या करना है, ये जो है इसको तो ऐसे ही उतारेंगे, और ये पहला और दूसरे को हमने को घटा के हमने इनका 1 कर देना है। इसका 1 कर दिया। अब ये जो जाली जैसा हमने लिया था इसको हम सीधे में बुनेंगे सीधा। फिर उसके बाद ये जो मैंने लूज़ करके लिया था पीछे से, बीच से निकाल के लूज़ करके लिया था उसको, और उससे आगे वाले को 1 कर देंगे, 2 का 1 बना दिया। इसको सीधा बुनेंगे, ये जो लूज़ था इसको और उससे आगे वाले को 1 किया, और जो पीछे वाला था जाली पीछे आगे धागा करके हमने जाली जैसे डालते हैं वैसे जो फंदा लिया था उसको सीधे में बुनेंगे, सीधे में बुना। उसके बाद इसको और इसको जो है 1 किया, इसको फिर से सीधे में बुना, इसको और इसको 1 किया, 1 किया, और इसको फिर से मैंने सीधे में बुना, 2 का 1, और इसको सीधे में बुना, और लास्ट के जो हैं इनको सीधा ही बुनना है, 1 और ये 2। अब जैसे हमने, शायद आपको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू अभी ना हो, अब जैसे हम 2-3 सिलाइयाँ डालेंगे आपको दिखना शुरू होगा। पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, अब आपको पता चल जाएगा कहाँ पे हमने बीच से डालना है, तो इसको नहीं बुनना है, और इसके बीच में ऐसे डाल के ये निकाला धागा,
अपनी तरफ किया और दो का पीछे से ये कर दिया। इसे वही बीच उल्टे वाले के बीच में डाला, निकाला लूज करके धागा अपनी तरफ और दो का एक किया। फिर से उल्टे वाले के बीच में डाला, लूज करके निकाला, धागा अपनी तरफ किया और पीछे से दो का एक कर दिया। सारी सिलाई में हमने ऐसे ही करना है। अब उल्टी सिलाई में जैसे हमने दूसरी उल्टी सिलाई ली वैसे ही लेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ, ये ऐसे ही उतारा इसको और इसको दो का एक कर दिया और इसको अगला जो है सीधा लिया। फिर से इसका जो हमने लूज़ लिया है उसको पकड़ा, उसके उससे आगे वाले को पकड़ा और उसका एक कर दिया। उसके बाद सीधा फिर उल्टे में दो का हमने एक किया, फिर सीधा फंदा, फिर ये जिसको लूज़ लिया वो और उससे आगे वाला इसको उल्टे में बुना, फिर से सीधा इसको और इसको पकड़ के उल्टे में एक किया। ये मैंने सीधा फंदा, इसको जो लूज़ लिया उसको पकड़ा उसके आगे वाले को और उल्टे में दो का एक किया। इसको मैंने फिर से सीधा किया और ये जो लास्ट के दो हैं इनको उल्टा ही बुना। उसके बाद हमारी अगली सिलाई जब आएगी तो हमने क्या करना है, जैसे हमने पहली सिलाई ली और तीसरी ली ये वैसे ही लेनी है। इसके बीच में ऐसे डाल के उल्टे वाले में लूज़ करके आपने लूज़ रखना है इसको। थोड़ा धागा आगे किया और इसको ऐसे करके ले लिया। फिर से वही बीच में डाला, ये थोड़ा लूज रखा, धागा आगे किया और पीछे से दो का एक कर दिया। फिर से उल्टे वाले में डाला, थोड़ा लूज रखा, धागा आगे किया और ये पीछे से हमने दो का एक कर दिया। सारी सिलाई हम ऐसे ही लेंगे। अब उल्टी सिलाई में जैसे हम मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऐसे उतारेंगे पहले और दूसरे का एक करेंगे, फिर उसके बाद उससे अगला जो है उसको सीधा लेंगे। ऐसे ही सारी सिलाई आपने लेनी है, दो का जो एक करना है और इसको उल्टे में करना है एक, और उसके बाद जो अगला आएगा उसको सीधे में बुनना है। तो फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा डिज़ाइन जो है वो बनके तैयार होगा, आप देख सकती हैं इसको। इसको आप किसी बच्चों के स्वेटर में डाल सकती हैं बड़े आराम से। ये ऐसा डिज़ाइन जो है वो आपको सामने जो है वो तैयार होगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा, इसको लाइक